श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 5वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा स्थित महेश पाल अंगुराल के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर पारिवारिक सदस्यों की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान मदन लाल खिंदर, सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप लक्की गई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अंजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जैकी कमल डालिया, लकी स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। रविदास महाराज जी ने 647वें प्रकाश उत्सव के संबंध में अज श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला तो अज की 5वीं प्रभात फेरी निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता साडे गुरु घर के प्रधान मानजो मदन लाल खिंदर जी ने की है। सारे नगर की परिक्रमा करके अज की प्रभात फेरी साडे बहुत ही सत्कारयोग आदमी श्री करमचंद जी हंस, जिन्होंने असं प्यार लाडी बाबू जी भी कहने हाँ, उन्होंने ग्रह विखे अज की प्रभात फेरी पहुंची है और आई हुई प्रभात फेरी का बहुत सारा मान सत्कार हंस परिवार ने किया है। चाह का लंगर, पूड़ी, कड़ाह, छोले और 51 दमड़ा सेवा नगद मिठाई के डब्बे सेवा कराई है गुरु महाराज चरणा च। असी महाराज के चरणा च अरदास करते हैं, बेनती करते हैं सच्चे पातशाह हंस परिवार से हमेशा मेहर भर हाथ रखना, खास तौर पर साढ़े करमचंद हंस जी, राजू हंस जी, बिट्टू हंस जी, सारा ही परिवार अज गुरु महाराज जी के आशीर्वाद सदका, उन्होंने आशीर्वाद सदका अज अपने मुकाम के विच पहुँच रहा है, मेहनत कर रहा है परिवार। सो महाराज के जन्मदिन की असी सभा वालों, इसी सभा वालों लख लख वधाई दें, लख लख वधाई दें, क्योंकि तुम जानते हो कि 22 तरीक न प्रोग्राम है, 23 तरीक न भी शोभा यात्रा, 23 तरीक न एक पवित्र शोभा यात्रा पूरे शहर के निकाली जाएगी और 24 तरीक न महाराज जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है और 25 तरीक न भी असी जन्म दिहाड़ा जिहड़ा गुरु घर श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला विखे मनाना है। सारिया संगतों को बेनती है कि उत्थे पहुँचना है। बैठे गुरु प्यारे साहब सिंह जी हो, आप सब बड़े बटभागी हो कि जो गुरु रविदास महाराज का जन्म दिहाड़ा जो कि 24 तरीक न आ रहा है उसके उपलक्ष्य के जो 9 तरीक तो लैके 22 तरीक तक प्रभात फेरियां चल रही हैं, अज 5वीं प्रभात फेरी है और अज 5वीं प्रभात फेरी साढ़े बेटा करमचंद जी हंस उन्होंने परिवार उन्होंने ग्रह में पहुंची है। तो मैं करमचंद जी लख लख बधाई देना, क्योंकि उन्होंने जो नया घर भी बनाया है उसकी भी उन्होंने अज जो है मतलब सारा पार्टी की है। तो हंस परिवार को उन्होंने परिवार से असं इसी सभा और जन सभा वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ और उन्होंने गुरु महाराज के जन्मदिन की लख लख बधाई देते हाँ। तो गुरु प्यारे साहब सिंह जी जिस तरह के सैकटरी साहब ने दसाया है कि 9 तो लैके 23 तरीक प्रभात फेरियां चल गई, 23 तरीक न शोभा यात्रा है, 24 तरीक और 25 तरीक इस बार श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला में गुरु रविदास का जन्मदिन है, 2 दिन मनाया जा रहा है, 24 तरीक और 25 तरीक न 24 तरीक न झंडा रस्म होगी और 25 तरीक न कवि दरबार जो है वो अपना जो मनाया जाएगा। तो सारी संगत जो साड़ी आवाज सुन रहा है सारे बेनती है कि 23 तरीक न पहुँचना है और 24 तरीक और 25 तरीक सारे पहुँच के गुरु महाराज का जन्मदिन मनाना है। तो हंस पराब ने बहुत ज़्यादा जो है सेवा की है, असी स्त्री सभा और जैन सभा वालों करमचंद जी उन्होंने सारे परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सारी संगत की सेवा करके जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है।